डेवलपमेंट के लिए ये जो पॉपुलेशन है इसका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़रूरी होता है। और इस जैसे आज हम बात करते हैं कि पूरी दुनिया की पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, बहुत तेज़ी से पॉपुलेशन बढ़ रही है और ये पूरी दुनिया के लिए एक समस्या का, हर देश के लिए एक समस्या है कि किस तरह से पॉपुलेशन को जो है कंट्रोल किया जाए। इन दिस लेसन वी विल ट्राई टू नो हाउ टू कन्वर्ट पॉपुलेशन इन रिसोर्स। इस लेसन में हम पॉपुलेशन को एक बर्डन ना समझकर ये समझेंगे कि पॉपुलेशन किसी देश के लिए एसेट्स कैसे बन सकती है और एसेट्स यानी उस देश के डेवलपमेंट में वो कैसे सार्थक सिद्ध हो सकती है। तो सबसे पहले जानने के लिए हमें ह्यूमन रिसोर्स की डेफिनेशन जाननी चाहिए। जब हम ह्यूमन रिसोर्स की बात करते हैं तब हम पॉपुलेशन की बात नहीं करते हैं, बल्कि हम किसकी बात करते हैं, द स्टॉक ऑफ नॉलेज एंड हेल्थ इन पीपल, दैट इज रिसोर्स। किसी भी देश के लिए उसकी पॉपुलेशन रिसोर्स कब बनती है, पॉपुलेशन रिसोर्स क्या है, द नॉलेज एंड स्किल ऑफ द पॉपुलेशन। किसी भी मनुष्य के अंदर जो ज्ञान है, जो उसकी कार्य क्षमता है, जिसको हम हेल्थ के रूप में प्रिस्क्राइब करते हैं, वो उसको एक रिसोर्स में कन्वर्ट करता है। तो आज हम जो रिवाइज डिवीजन कर रहे हैं, इस लेसन को हम किस दृष्टिकोण से रिवाइज करेंगे कि पॉपुलेशन जो है किसी देश के लिए बर्डन नहीं है, बल्कि उस देश के लिए वो एसेट है। लेकिन वो एसेट्स कब बन सकती है, जब वह पॉपुलेशन उस देश के कंट्रीब्यूशन में अपना, उस देश के डेवलपमेंट में अपना कंट्रीब्यूशन देती हो। तो द नंबर ऑफ पीपल हु कंट्रीब्यूट इन द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री बाय देयर नॉलेज स्किल एंड हेल्थ वर्किंग कैपेसिटी, दैट इज नोन एज ह्यूमन रिसोर्स। तो हमको ये बात समझ में आई होगी कि कैसे जो पॉपुलेशन है, कोई ह्यूमन बींग है, वो देश के लिए रिसोर्स कब है, इफ दैट पर्सन कॉन्ट्रीब्यूट इन द डेवलपमेंट ऑफ कंट्री बाय देयर नॉलेज एंड स्किल एंड देयर वर्किंग कैपेसिटी। यानी हमारे पास नॉलेज स्किल है लेकिन वर्किंग कैपेसिटी नहीं है, हम एक घंटा भी बैठकर काम नहीं कर सकते हैं, तो इसका हमारी नॉलेज का, हमारे स्किल का हमारे देश के लिए कोई फायदा नहीं होगा। और हम बहुत हेल्दी हैं, बहुत स्वस्थ हैं, लेकिन हमारे पास कोई स्किल नहीं है, कोई काम करने के लिए हमारे पास काम नहीं है, तो हम कैसे अपने देश के डेवलपमेंट को इंक्रीज कर सकते हैं, उसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो इस लेसन में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि वे कौन सा इन्वेस्टमेंट है जो पॉपुलेशन को ह्यूमन रिसोर्स में कन्वर्ट कर देता है। तो इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, तो किसी भी देश की जो पॉपुलेशन है वो उसकी मानव पूंजी है, ह्यूमन रिसोर्स यानी ह्यूमन कैपिटल। किसी भी, हम ह्यूमन कैपिटल दूसरी कैपिटल से डिफरेंस कैसे है, जैसे हमारे पास लैंड है, हमारे पास मनी है, लेबर है, जो हमने फर्स्ट लेसन में डिवाइस किया था फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस में, कि किसी भी प्रोडक्शन के लिए हमको मनी की ज़रूरत होती है, लैंड की ज़रूरत होती है, लेबर की ज़रूरत होती है। लेकिन ये सारे एसेट्स अपने आप में कुछ भी नहीं है। मान लीजिए हमारे पास लैंड है लेकिन हमको खेती करना नहीं आता, या लैंड में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो खुद ही प्रोडक्शन कर सके, यानी लैंड से जो भी प्रोडक्शन करना है, इंडस्ट्री से जो भी प्रोडक्शन करना है, वो किसके द्वारा संभव है, ह्यूमन बीइंग से, ह्यूमन कैपिटल से ही वह संभव है। तो इसके लिए आवश्यक है कि किसी देश की जो पॉपुलेशन है उसको ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट किया जाए। तो ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट करने के लिए पॉपुलेशन को हमको कहाँ इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, मान लीजिए हमको कोई दुकान खोलनी है तो उसके लिए हमारे पास मनी होना चाहिए। ऐसे ही ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन करना है तो हमारे पास, तो हम किन चीज़ों में इन्वेस्टमेंट करें, तो सबसे पहले हमको इन्वेस्टमेंट करना होगा एजुकेशन में और स्किल में। किसी भी देश के नागरिकों की, सिटीजन्स की स्किल को जब डेवलप किया जाता है तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का आधा काम पूरा होता है। देन हेल्थ फैसिलिटीज, हेल्थ फैसिलिटीज में इन्वेस्टमेंट करके गवर्नमेंट जो है अपने देश में ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन करती है। क्यों परेशान, काम खत्म करने आ गई, अब बंद करो, चक्कर काट रखे।